जय माता दी। यूं तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की पूजा या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नंबर एक, खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। नंबर दो, पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर तीन, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। चार, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल दें। पाँच, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। जय माता की। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।